वेलकम टू वर्नन लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि सेल साइकिल प्रोग्रेशन किस तरह से होता है, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। ओके, स्टेजेस के बाद हमने स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स की बात की थी कि किस किस स्टेज पर जो सेल साइकिल है उसको एनालाइज किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग को ब्लॉक किया जाता है कि वो फर्दर प्रोसेसिंग ना हो। इट मींस कि सेल साइकिल एक रेगुलेटेड प्रोसेस है। इंडक्टिव प्रोसेस की बात की थी, इंडक्टिव भी है बट दैट इज ओनली एम फेज। एम फेज जो है इंडक्टिव प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस में को इंड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, फिर उसके बाद हमने बात की थी कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां पर सेल साइकिल को चेक किया जाता है, मींस दैट प्रोग्रेशन होना है या नहीं होना, बिकॉज सेल साइकिल इज द रेगुलेटेड प्रोसेस। ओके, अब रेगुलेटेड प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगर रेगुलेटेड प्रोसेस है कोई, तो इट मींस उसका रेगुलेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि वो सही हो। सो डीएनए सिंथेसिस से इसका कोरिलेशन है कि अगर डीएनए सिंथेसिस हो रही है, डीएनए वहां पर डैमेज हो गया है, सो क्या होगा कि जो डैमेज डीएनए है वो बाद में प्रॉब्लम करेगा अगर वो सेल डिवाइड करती जाएगी, तो दैट वुड बी द कैंसरस स्टेज। ओके, वहां पर वो कैंसरस स्टेज डेवलप हो जाएगी, मींस दैट क्या होगा कि जो सारी सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करती जाएंगी। ओके, वहां पर एपोप्टोसिस नहीं होगी, सही सेल, खराब सेल, ओल्ड सेल, डैमेज सेल सारी कुछ बढ़ती जाएंगी और एक कैंसरस मास डेवलप हो जाएगा। और जब कैंसरस मास डेवलप होगा तो अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, तो वो सेल्स ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगी। जब न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सारे यूटिलाइज करेंगी तो सारा न्यूट्रिएंट्स वही एक्वायर कर लेंगी, तो अल्टीमेटली बॉडी के और पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ओके, जो टॉक्सिन्स होंगे वो भी वहां से रिलीज नहीं होंगे, सारे एक्वायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक मशीनरी है बॉडी की। अगर वो सेल एक लार्ज अमाउंट में ग्रो करती जाएंगी, बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगी, बाकी पार्ट्स को नहीं मिलेगा, तो बाकी पार्ट्स की मशीनरी डाउन होती जाएगी और अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होगा। ओके, तो जो भी पेशेंट है जिसमें कैंसर सेल डेवलप, उसमें डेथ होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सारा एक्वायर हो जाएगा। ओके, मींस दैट उनको सारा ऑक्सीजन भी ले लेंगी और वो कैंसरस सेल है। ओके, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड है, जब कोई चीज आपको पता है ह्यूमन में भी अनकंट्रोल हो जाती है तो उसका जो है बिहेवियर बहुत ही वायलेंट हो जाता है, सो वो सारा कुछ वो अपनी तरफ एक्वायर कर लेगा, बाकी सबसे मतलब उसको नहीं रहेगा, क्योंकि वो बिगड़े बच्चे की तरह हो गया है। ओके, वो होता है कैंसर। तो इसीलिए सेल साइकिल को रेगुलेट करना इज क्वाइट मैंडेटरी। ओके, अगर उसमें कुछ डैमेज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको तुरंत कंट्रोल किया जाए। ओके, सो वहां पर वही कहलाते हैं चेक पॉइंट्स, जहां पर सेल साइकिल को चेक किया जाता है कि इसका फर्दर प्रोग्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समझे ये बात कि उसको हॉल्ट कर देना है, अरेस्ट कर देना है या आगे बढ़ाना है। ओके, सो अगर देखिए यहां पर हम एक चीज देखें, अगर सेल साइकिल की मैं बात करूं, सेल साइकिल इज रेगुलेटेड प्रोसेस, इट्स अ ये टर्म से तो आप एग्री होंगे ही। ओके, तो सेल साइकिल जब रेगुलेटेड प्रोसेस है, सो अगर इफ डीएनए डैमेज, देखिए सब कुछ खेल डीएनए का ही है। ओके, बाकी चीजों में सेल साइकिल प्रोग्रेशन ब्लॉक नहीं होता, हो सकता है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो तो वो ग्रोथ फेज पे रुक जाएगा। ओके, वहां पर चेक पॉइंट्स वहीं रोक देंगे उसको कि भाई उसको थोड़ी देर के लिए रोक देंगे कि हाँ भाई जब तक ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डेवलप ना हो जाए, सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल ना हो, उसको हॉल्ट कर दिया जाए। बट अगर डीएनए डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना है, वहां पर एक है कि उसको डीएनए को रिपेयर करना है। ओके, सो इफ डीएनए डैमेज अकर्ड, सो क्या करना है उसको, उसको एक प्रोसेसिंग करनी है, या तो डीएनए रिपेयर करे, डैमेज को रिपेयर किया जाए। ओके, और या फिर रिपेयर किया जाए या फिर प्रोसेस को हॉल्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हॉल्ट कर दिया जाए। हॉल्ट का मतलब है
कि प्रोसेस को रोक दिया जाए, ओके, या फिर ओके, यानी सेल साइकिल अरेस्ट, ओके, सेल साइकिल अरेस्ट, या तो रिपेयर करके आगे बढ़ने दिया जाए या फिर हॉल्ट करके सेल साइकिल अरेस्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए उसको थोड़े टाइम के लिए ताकि उसको टाइम मिल जाए, ओके। बट अगर मैं इसको थर्ड टर्मिनोलॉजी कहूं या इसी का पार्ट कहूं तो इसको बोलेंगे सेनिसेंस, ओके। सेनिसेंस में क्या होगा, सेल सेनिसेंस यानी इसको हॉल्ट के अरेस्ट कर दिया बट वो ठीक नहीं हुआ तो वो सेनिसेंस यानी ब्लॉक हो गया, हमेशा के लिए वो ब्लॉक हो गया, उसको वही उसी स्टेज पे रोक दिया, वो सेल जो डैमेज जिसमें डीएनए था वो फर्दर उसका प्रोग्रेशन नहीं हुआ, उसको ब्लॉक कर दिया गया, ये प्रोसेसिंग हो जाती है। बट ये होती कैसे, ओके भाई, चेक पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स जो है वो किसी रेगुलेशन के थ्रू ही तो काम करेंगे, चेक पॉइंट्स तो काम कर सकते हैं हॉल्ट करने का, पर चेक पॉइंट को बताएगा कौन की डैमेज हो गया, ओके, वो बताने वाला भी तो कोई चाहिए क्योंकि वो तो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो आपको हमने बताया रेगुलेटर्स हैं, बट सेंसर नहीं है, वो सेंसर होते तो बता दिया जाता बट सेंसर नहीं है, उनको सेंस कौन करवाएगा। तो जो प्रोटीन, जैसे एक प्रोटीन है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दिस इज एटीएम, एटीएम आप पता ही होगा पैसा वैसा निकालते हैं सब लोग, ओके, एटीएम से, पर ये वो वाला नहीं है, दिस इज एटीएम, नाम कैसे दिया गया, अटैक्सिया टेलेंजियस्टिया, ओके, अटैक्सिया टेलेंजियस्टिया म्यूटेटेड, ओके, एटीएम, ओके, सो अटैक्सिया टेलेंजियस्टिया म्यूटेटेड, इसका नाम है एटीएम, इट्स अ, इसका नाम उससे पड़ा है, इट्स अ रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर। अब आप सोचेंगे रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहां से आ गया, ओके, सो ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है पेश उन लोगों में जो रिसेसिव डिसऑर्डर है, कुछ पेशेंट्स में, इंडिया में तो बहुत कम मिलता है, जो लोग फेयर पर्सन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जिनमें यूवी यूवी रेस्ट बेस्ड डैमेज इन डीएनए, ओके, होता है, ओके, यानी यूवी रेस से जहां पर डीएनए डैमेज हो रहा है, यूवी रेस हुआ या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन हो रहा है, उससे जो डीएनए डैमेज हो रहा है, ओके, उसको ये कंट्रोल करता है, यानी कि जो एटीएम है, एटीएम यानी अटैक्सिया टेलेंजियस्टिया म्यूटेटेड, इट्स अ काइनेज प्रोटीन, ओके, ये काइनेज प्रोटीन होती है जो कि डीएनए डैमेज को रेगुलेट करती है, यानी कि जो लोग जिनमें ये म्यूटेटेड होता है उनमें ये स्टडी की गई, इसलिए इसका नाम एटीएम रख दिया गया, यानी जिनमें ये जीन म्यूटेटेड है उनमें क्या होता है कि यूवी रेस से जो डैमेज होता है या आयनाइजिंग रेडिएशन से जो डैमेज होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो पेशेंट क्या होता है उनमें म्यूटेटेड रहता है, सेल साइकिल तब भी चलती रहती है, हॉल्ट नहीं कर पाता जिनमें म्यूटेटेड है ये जीन, तो उसकी वजह से क्या होता है जब वो हॉल्ट नहीं कर पाता तो सेल अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करती रहती है, स्पेशली द स्किन सेल्स, ओके, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होती है यूवी और आयनाइजिंग रेडिएशन से, तो तब भी वो चेक पॉइंट पे अरेस्ट नहीं होता, हॉल्ट नहीं होता, तो कैंसर कंडीशन डेवलप होता है, स्किन कैंसर के केसेस आपने सुना होगा बाहर बहुत ज्यादा होते हैं, ओके, हमारे यहाँ मेलानिन वगैरह वो प्रिवेंट कर लेता है। तो इसी से रिलेटेड एक और प्रोटीन होती है एटीआर, ओके, ये होती है अटैक्सिया टेलेंजियस्टिया म्यूटेटेड रिलेटेड, ओके, इससे रिलेटेड, इसी के जैसी होती है ये भी, इसको बोलते हैं एटीआर। सो एटीआर क्या करता है, वो भी लगभग वैसा ही काम करता, दोनों के पाथवे में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके,
बेसिकली जो एटीएम है वो आयनाइजिंग रेडिएशन और यूवी दोनों कर लेता है, बट जो एटीएम है ये आयनाइजिंग रेडिएशन को ही ज्यादातर डिटेक्ट करता है. ओके, एंड एटीएम मेनली क्या करता है, जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, क्या करता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक को डिटेक्ट करता है. ओके, एंड एटीआर क्या करता है, एटीआर जो मेनली किसको डिटेक्ट करता है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को डिटेक्ट करता है. एसएस मींस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक. ओके, और इसमें सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को डिटेक्ट करता है, और ये इसका मेन जो फोकस होता है वो यूवी रेज डैमेज होता है. ओके, ऐसा नहीं कि आयनाइजिंग से नहीं हुआ, आयनाइजिंग से भी वो कर सकता है, बट ये चीज है इसमें कंपलसरी कि एटीआर किसको डिटेक्ट करता है, सिंगल स्ट्रैंड पे जब ब्रेक हुआ, और जब डबल दोनों स्ट्रैंड पे ब्रेक हुआ तो एटीएम. और देखिए यूवी रेज कुछ ऐसा नहीं करती, वो स्ट्रैंड ब्रेक ही करती है. ओके, स्ट्रैंड ब्रेक करेगी, या फिर स्ट्रैंड ब्रेक का मतलब है कि वहां पर जो है ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन करवा सकता है, बेस पेयर चेंज कर सकता है. तो जब उसको रिपेयर किया जाता है तो वहां पे नाइट्रोजनस बेस वहां से रिमूव हो जाता है, तो अल्टीमेटली वहां पर ब्रेक जनरेट हो जाता है. जो रिपेयर वाला एंजाइम है वो उसको क्लीव कर देता है, बट उसको हॉल्ट करना जरूरी है ताकि उसको और एंजाइम आके रिपेयर करें, पर वो हो नहीं पाता उसमें, तो वो अल्टीमेटली वहां पर डीएनए ब्रेक हो जाता है. ऐसा नहीं होता क्लीव नहीं होता, ब्रेक होता है. ओके, वो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताया जाएगा कि किस तरह से वो ब्रेक होता है. ओके, ये चीज समझ गया. तो यहां पर यूवी रेज बेस्ड डैमेज, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और डबल स्ट्रैंड, तो ये ये अल्टीमेटली अगर जिन पेशेंट में म्यूटेटेड है उनमें तो ये डैमेज होगा, बट जिनमें ठीक है वो प्रोसेसिंग करते हैं, हॉल्ट करवा देते हैं सेल साइकिल पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स पे. ओके, सो पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स पे जहां पर उसको रोकते हैं, तो ये किस स्टेज पर करता है, जो एटीआर होता है, एटीआर वो जी टू से एम ट्रांजिशन, जी टू एम चेक पॉइंट है इसका. ओके, जी टू यानी किसमें ये करेगा, ये जी टू यानी जी टू से जब एम पे ट्रांजिशन होता है तब ये रोकता है. ओके, और जो एटीएम होता है वो किस पे रोकता है, जी वन से एस चेक पॉइंट है ये. क्लियर, ये जी वन से एस चेक पॉइंट है. यानी इसमें क्या होता है, एटीएम में यानी जीवन फेज में या माइटोसिस डिवीजन हुआ उस टाइम पर कुछ डैमेज हो गया तो जीवन में ही वो डिटेक्ट कर लेगा एटीएम, और उसको सिंथेसिस के लिए जाने से रोक देगा, यानी डीएनए सिंथेसिस नहीं होने देगा. ओके, और ये क्या करेगा एटीआर, जी टू से एम में, यानी कि जब सिंथेसिस हो चुकी है और कोई डैमेज हो गया सिंथेसिस के टाइम पे तो ये जी टू पे ही हॉल्ट कर देगा, डिवीजन नहीं होने देगा. क्लियर, ये चीज आप पाथवे में बता ही चुका हूं. तो ये काम किस तरह से करते हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, ये है न्यूक्लियस. ओके, अभी हम सिर्फ न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, बाद में साइटोप्लाज्म दिखाएंगे. जल्दी जल्दी करते हैं इसको. ये देखिए, ये है डीएनए. अब यहां पर डैमेज हो गया, कोई डीएनए डैमेज हो गया. सो डीएनए डैमेज हुआ, सिंगल स्ट्रैंड डैमेज है, तो उसको किसने, ये है एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है. ओके, जब एसएसबी प्रोटीन उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी तो यहां पर कनेक्ट, जब एसएसबी रिकॉग्नाइज कर लेगी तो एटीआर, जो एटीआर है म्यूटेटेड म्यूटेशन रिलेटेड. ओके, वो एटीआर क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा एटीआर को, ये मतलब जो एसएसबी प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा और एटीआर को एक्टिवेट कर देगा. यहां पर ये डीएनए है और एटीआर को वहां पर रिक्रूट कर देगा. ओके, अब जैसे ही एटीआर रिक्रूट हो जाएगा, ये एक प्रोटीन है चेक वन. ओके, चेक पॉइंट,
मैंने बताया चेक पॉइंट है ये, सो CHK1, ओके ये हुआ CHK1, ये CHK1 को, ये CHK1 है इनएक्टिव। अब ये क्या करेगा, CHK1 को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट कैसे करेगा, फॉस्फोराइलेशन, ओके अब ये क्या हो गया, एक्टिव, CHK1 का फॉस्फोराइलेशन हो गया, एक्टिव हो गया, ओके और फॉस्फोराइलेशन किस पे होगा, किसी स्पेसिफिक सेरीन रेजिड्यू पे, ओके सेरीन रेजिड्यू पे इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, चेक वन चेक पॉइंट वन। सो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, सो ये अब क्या करेगा जाके, अब ये आपको मैंने एक बढ़ाया था CDC 25, ओके CDC 25 बताया था ना, ये क्या करेगा, CDC 25 को फॉस्फोराइलेट कर देगा। ओके CDC 25 को फॉस्फोराइलेट कर देगा। यहां पर भी ये सेरीन रेजिड्यू पे करेगा इसको, ओके सेरीन रेजिड्यू इसका भी, ओके तो ये सेरीन सेरीन काइनेज कह सकते हैं इसको, ये इस पे फॉस्फोराइलेट कर देगा CDC 25 को। तो पहले CDC 25 था इनएक्टिव, सॉरी ये था एक्टिव, जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया ये हो गया इनएक्टिव। जब ये CDC 25 इनएक्टिव हो गया, कैसे इनएक्टिव हो गया, जब इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये इसमें क्या हो गया कि इसके स्ट्रक्चरल चेंज आ गया। जब इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ गया तो ये क्या होगा, अभी तक मैं बात कर रहा था न्यूक्लियस की, फिर मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। सो इसमें क्या हुआ, ये देखिए ये है न्यूक्लियस के अंदर, यहां तक क्लियर, ये न्यूक्लियस के अंदर है। अब यहां पर है साइटोप्लाज्म, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि क्या हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, ओके मींस दैट अब तक इसका काम क्या है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता ही है मैं कल पढ़ा ही चुका हूं। सो अब क्या होगा, ये जो फॉस्फोराइलेटेड CDC 25 है, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप लग गया, यहां पर दिखा दिया, तो जब ये फॉस्फोराइलेट हो गया तो इसके साथ एक एडाप्टर प्रोटीन अब बाइंड कर जाएगी इस तरह से, इस एडाप्टर प्रोटीन का नाम है 14-3-3-sigma, ओके दिस इज एडाप्टर प्रोटीन, समझ रहे हैं ये चीज, ये एडेप्टर प्रोटीन इसके साथ बाउंड कर जाएगी, ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा, और जब ये एडेप्टर प्रोटीन बाउंड कर जाएगी तो उसका साइज बढ़ जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस में वापस नहीं जा पाएगा। जब ये न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगा तो फिर एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा, जब एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहां पर सेल साइकिल अरेस्ट। अब सेल साइकिल अरेस्ट कैसे हुआ, CDC 25 मैंने आपको बताया था टायरोसिन पे, जो 15 सब यूनिट पे, ओके जो आपका बताया था CDC2 और CDK1, ओके सेल साइकिल अरेस्ट, तो CDK1 पे ये CDC 25 एक फॉस्फेट ग्रुप को हटाता था टायरोसिन 15 पे, जो फॉस्फेट ग्रुप लगा था 15th टायरोसिन पे जो फॉस्फेट लगा था उसको रिमूव करता था, तब एक्टिवेशन होता था, ओके सो जो CDC2 था जिसको CDK1 भी हिमेमल में कहा और CDC2 कहा ईस्ट में,
तो वो हटाता था ये, तो अब तो ये अंदर हॉल्ट हो गया, अंदर ही तो डैमेज को रिमूव करेगा, तभी तो M से G2 से M फेज में जाएगा, सो G2 से M फेज में जा ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये फास्फेट ग्रुप हटा ही नहीं पाएगा, इट्स अ फास्फेटेज, पिछला लेक्चर सुनिएगा, ओके, तो ये जा ही नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अब एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो G2 फेज पे ही अरेस्ट हो जाएगा, ओके, तो यहां पर लिख देता हूं सेल साइकिल अरेस्ट एट G2 फेज, ओके, सो G2 से M फेज का वो हुआ ट्रांजिशन, समझ गए, सो ATR यहां पर भी चाउट में लिख देता हूं, G2 चेक किस किस स्टेज पे कर रहा है, G2 स्टेज पे, ओके, क्लियर, ये चीज याद रखिए, G2 टू M ट्रांजिशन, तो हॉल्ट चेक पॉइंट ये किसका हुआ, G2 से M फेज का चेक पॉइंट है ये, क्लियर, ये चीज समझ गए आप किस तरह से करता है, फॉस्फेटेज है, इट्स अ फॉस्फेटेज, तो ये अवेलेबल नहीं होगा फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल के लिए CDC25, क्योंकि इस पे एडेप्टर प्रोटीन लग गई, तो अल्टीमेटली सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, यानी अगर ATR सही काम कर रहा है तो सब कुछ आराम से होगा, ओके, और ये डैमेज किसकी वजह से हुआ है, यहां पर यूवी रेज से, यूवी रेज डैमेज है, ओके, ये यूवी रेज आई, इसने डैमेज किया, क्लियर, अब हम लोग देखते हैं यहां पर ATR कैसे काम करता है, सो ये भी यहीं पर मैं बता देता हूं, सो यहां पर हुआ आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन ज्यादा डैमेज करते हैं, ओके, आयनाइजिंग रेडिएशन पड़ी, DNA डैमेज हुआ, ओके, आयनाइजिंग रेडिएशन पड़ी, DNA डैमेज हुआ, और DNA डैमेज को यहां पर कौन रिकॉग्नाइज करता है, डबल स्ट्रैंड डैमेज को, mRNA प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, mRNA प्रोटीन, ये देखिए mRNA प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेंगी डबल स्ट्रैंड डैमेज को, mRNA प्रोटीन रिकॉग्नाइज कर रही है, mRNA प्रोटीन जब रिकॉग्नाइज करेंगी, सो mRNA प्रोटीन अल्टीमेटली किसको रिक्रूट करेंगी, ATM को, ओके, डैमेज हो गया, पैसे की जरूरत है, तो ATM को रिक्रूट कर देंगे, पूरा का पूरा ATM रिक्रूट हो जाएगा, यहां पर देखिए mRNA प्रोटीन ने उसको रिकॉग्नाइज किया, तो यहां पर किसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ATM ने, ATM रिकॉग्नाइज हो गया, अब ATM क्या करेगा, चेक टू, ओके, यहां पर अब किसका वो होगा, चेक टू, तो चेक टू का क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस, अभी ये था इनएक्टिव, अब ये हो गया एक्टिव, और ये किस फेज में हो रहा है, ये प्रोग्रेशन कहां पर होगा, जीवन फेज में, याद रखिए ये जीवन पे अरेस्ट करता है ATM, ओके, आयनाइजिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है तो जीवन पे ही ब्रेक कर देता है, जब पुलिंग होती है सेपरेशन होता है माइटोसिस में, उस टाइम पर कई बार DNA डैमेज हो जाता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है, और या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू उस टाइम पर रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया, यानी जीवन फेज में या M से जीवन फेज में कोई सेल है, आयनाइजिंग रेडिएशन उसमें पड़े तो बहुत ज्यादा प्रोन होती है वो डैमेज के, ओके, सो उसके बाद क्या हो जाएगा, P53, यहां पर एक प्रोटीन होता है P53, ओके, ये P53 की खास बात होती है कि ये बहुत अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है, सो ओके, सो इसको P53 पे क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन कर देगा, P53 पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा, और ये हो जाएगा स्टेबल, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, सो जो चेक टू है जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबल कर देगा थ्रू द फॉस्फोराइलेशन, और P53 के बारे में एक बात बता दूं कि इंडिया में जितने कैंसर पेशेंट हैं उनमें मोर देन 50% लोग इस P53 ये जो है इसके वजह से कैंसरस होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाता है इसी प्रोसेस की वजह से या कोई और प्रोसेस, बट P53 का जो कंट्रोल है वो ब्लॉक हो जाता है, P53 कंट्रोल्ड वे में काम नहीं करता, इसीलिए कैंसर होता है, ओके, सो P53 स्टेबल हो गया,
अब ये P53 क्या करेगा, एक जीन होगा P21, ओके, उसका वेट है किलो, उसका जो प्रोटीन है उसका वेट है उसके बेस पे, ओके, सो ये P53 अब यहाँ जाएगा, इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, ये देखिए ये गया P53 फॉस्फोराइलेटेड, ये P53 यहाँ पर जाएगा और ये है P21 जीन, P21 जीन को एक्सप्रेस करेगा, ओके, सो P21 का mRNA बनेगा, ओके, एक्सप्रेशन होगा P21 mRNA, वो बाहर जाएगा, ऑब्वियसली वहां प्रोटीन सिंथेसिस तो होती नहीं है, बट मैं उस चीज को प्रोसेस को नहीं दिखा रहा हूं, और अल्टीमेटली क्या होगा, P21 प्रोटीन बनेगी, ओके, दिस इज P21 प्रोटीन, ओके, और P21 किसके साथ जाएगी, अब क्या होगा, जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ओके, CDK, अगर मैं यहां पर बात करूं, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज अभी एक्टिव है, ये एक्टिव है, अब P21 इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगी, यहां पर मैं थोड़ा सा इसका चाहूं तो बढ़ा सकता हूं, तो अपने हाथ में यहां पर, ओके, सो P21 जाएगा और इसके साथ बाउंड कर जाएगा CDK के साथ, ये P21 गया और इसके साथ बाउंड कर गया, जब इसके साथ बाउंड कर गया अब ये अवेलेबल नहीं है फॉस्फोराइलेशन एंड ऑल एक्टिविटीज के लिए, तो ये हो जाएगा इनएक्टिव, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, यहां पर ऐसे बना दूं, ओके, क्लियर, ये इनएक्टिव हो गया, अब इसके बाद जब ये इनएक्टिव हो गया सो इसमें क्या हो गया, जब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज G1 फेस पे, यानी आपको मैंने बताया था कि साइक्लिन D1, D2, D3 किस पे, G1 से M फेस, G1 के मिड में साइक्लिन एक्टिवेट हो जाते हैं और साइक्लिन 4, CDK4 एंड CDK6 एक्टिवेट होते हैं जो काइनेज एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब जिनके ऊपर क्या होता है वो फर्दर जो भी प्रोग्रेशन प्रोटीन्स होते हैं उनका फॉस्फोराइलेशन करते हैं, तो अगर ये ब्लॉक हो गया, इसकी खुद की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई तो अगले फर्दर को क्या आगे बढ़ा पाएगा, अगला उनका फॉस्फोराइलेशन करके कैसे वो एक्टिविटी को आगे बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, सेल साइकिल अरेस्ट, यहां पर मैं लिख सकता हूं सेल साइकिल अरेस्ट, ओके, कहां पर होगा, एट G1 फेज, ओके, G1 फेज पे सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, किस फेस पे अरेस्ट कर रहा है, G1 से S ट्रांजिशन को ब्लॉक कर रहा है, ओके, यानी G1 से S फेस पे जाने से रोक रहा है और G2 टू M ट्रांजिशन को रोक रहा है, ओके, एक क्या कर रहा है कि सिंथेसिस हो गई है बट सेपरेशन पुलिंग ना हो, सेल वहीं पर रहे, सेनिसेंस में चली जाए और आगे ना बढ़ पाए, ओके, मतलब सेल जो है वहां पर ही रुक जाए, मतलब सिंथेसिस तो चलो हो गई पर सेनिसेंस में डाल दे, उसको एज इट इज पड़ी रहे, या तो उसको ब्रेक करके कुछ रिसाइकल में डाल दिया जाए या फिर रोक दिया जाए, सेल आगे ना बढ़ पाए, और एक कर रहा है कि सिंथेसिस ही ना हो पाए, वहीं पर रुक जाए ग्रोथ फेज में, सेल आगे ना बढ़ पाए, मतलब अपनी सिंथेसिस डीएनए यानी डीएनए डैमेज है तो जो नया डीएनए बनाएगी वो भी डैमेज बनाएगी, वो भी वहीं पर रुक जाए, तो इस तरह से ये काम करता है सेल साइकिलर्स G1 फेज पे, ATM और ATR का तो आपको बता ही दिया था कि इसमें एडेप्टर प्रोटीन के थ्रू ब्लॉक कर लेता है, पूरा पाथवे आपके सामने है, सारा कुछ आपको बताया है इसमें, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, और आप जब रिसर्च में जाएंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज है, इसको रिटेन करके रखिएगा, डाउट्स हैं जितने भी इससे रिलेटेड पूछ लीजिए, बार बार नहीं बताए जाएंगे, आपके पास टाइम है पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, ओके, क्योंकि आपके जो भी मैं कुछ पूछूंगा उससे रिलेटेड तो बाद में इससे रिलेटेड जरूर पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिटेन रखने वाली है, ओके, तो फिर से कह रहा हूँ एक बार अपने डाउट्स के बारे में इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो पूछ लीजिए, एंड देन तब तक के लिए थैंक यू सो मच।